हो जाओ देवकी, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं स्वामी? उस बच्चे के स्पर्श से मेरी ममता ने मुझे दुखी कर दिया है। मेरे हृदय में ममता का सागर उछल रहा है। जब से भैया ने उसे मेरे हाथों में रखा है, तभी से सोच रही हूं मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं जो मां होते हुए भी ना तो अपनी संतान पर ममता लुटा सकी, ना उसे पाल पोस कर दूध पिलाकर माँ होने का सुख पा सके। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए स्वामी। देवकी तुम क्या कर रही हो? इतने ऊंचे स्वर में बोलूंगी तो कंस को पता चल जाएगा कि हमारा पुत्र कृष्ण है, हमारी आठवीं संतान। मैं तुमसे विनती करता हूं, शांत हो जाओ देवकी, शांत हो जाओ। भैया, मैया रो रही है। जैसे ही अवसर मिले मैया के आंसू पोंछने चले जाना। कंस मामा माता को फिर रुलाएंगे भैया। तो फिर कंस मामा का न्याय कर दो छोटे। ऐसा न्याय करो कि कोई भी मामा फिर कभी अपनी बहन को ना रुलाए। अनु, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है ये लोग गोकुल से कृष्ण को लेकर आएंगे? हाँ महाराज, चोरी करने में, डाका डालने में और किसी को भी उठाकर लाने में ये टोली पूर्णतः निपुण है। इसीलिए मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूं। और हाँ महाराज, ये टोली जो भी काम करती है उस काम का एक कान का दूसरे कान को भी पता नहीं चलता। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टोली गोकुल से कृष्ण को यूं उठाकर ले आएगी। हमारे पास अब तुम छुपती छुपाती क्यों आ रही है? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अरे कम्मू, कैसे हो? ठीक हूँ। सुमति आई? नारायण नारायण। प्रभु, इस कम्मू का मन तो साफ नहीं लग रहा है। आपने उचित ही जाना है देवर्षि। कम्मू चोरी के विचार से ही आई है। चोरी? नारायण नारायण, ये क्या चुराना चाहती है भगवान? कृष्ण को। अरे ये तो अधर्म होगा। कलयुग द्वापर का द्वार खटखटाने लगा है देवर्षि। तो क्या जो मानव अब तक दूसरों की संपत्ति चुराता था, तो क्या वो अब संपत्ति भी चुराने लगेगा? नारायण नारायण।
माँ कम्मो मुझे ले जाना चाहती हैं। तो जाओ। हाँ हाँ जाओ। भैया आप अकेले यहाँ? मेरी चिंता ना करो, मुझे तो अवसर मिलेगा। किस बात का अवसर? कंस मामा के भेजे अतिथियों का आतिथ्य अकेले करने का। इसका अर्थ माँ कम्मो को मुझे यहाँ से ले जाने की प्रेरणा आपने दी है। ऐसी प्रेरणा देने की प्रेरणा तो मैंने तुम्हें से ली है छोटे। ये आपने ठीक नहीं किया भैया। लल्ला लल्ला प्यारे लल्ला। अच्छा लल्ला सुनो, चुप रहना और जरा सी भी आवाज न करना, तेरी बड़ी कृपा होगी मुझ पे, ठीक है? सुखी रहो बेटे। भैया नारायण नारायण, प्रभु कम्मो तो कृष्ण को लेकर गई। कितनी पुण्यात्मा है ये कम्मो, कृष्ण ने भी इसके विरुद्ध कोई उड़ाना नहीं दिया और ना ही रोकर बताया कि वो उन्हें लेकर जा रही है। यह माँ की ममता का प्रभाव है देवर्षि। माँ परमात्मा का ही तो रूप है, हर संतान के लिए माँ भगवान ही तो है। फिर कोई भी बच्चा अपने भगवान के विरुद्ध उल्हाना क्यों देगा, फिर चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना हो। ममता की छाव में हर किसी का मन विश्राम करने को करता है देवर्षि, कृष्ण भी तो ममता की छाव में विश्राम कर रहा है। नारायण नारायण। बोलो हे नंदरानी। बैरी हो गई हो तुम सबके सब। बलराम कब से रो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? नहीं नहीं बलराम, रोना नहीं, तुम तो बड़े हो, तुम्हें रोता देखेगा तो छोटा भी रोएगा। कृष्णा को रुलाना चाहते हो? नहीं ना, तो हंसो 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 हंसो। देखा यशोदा, हमारा बलराम कितना नटखट हो गया है। अब तो झूठ मूठ का रोने भी लगा है, ताकि माँ आए इसे गोद में उठाए इसका लाड करे। क्यों, मैं सच कह रही हूँ ना धाव भैया। अच्छा सुमति, कृष्ण कहाँ है, सो रहा है क्या, उसकी आवाज नहीं सुनाई दी? कृष्ण पालने में कहाँ है? क्या मतलब? पालना तो खाली है, मैंने सोचा आप उसे अंदर लेके गई हो। मैं तो लल्ला के पास गई ही नहीं। भगवान, पल्ला तो सच में खाली है, कहाँ गया लल्ला? अवश्य इसे उठाया होगा, यहाँ तो किसी के पास भी नहीं है, कहाँ चला गया कृष्णा? लल्ला कृष्णा, यशोदा क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? यशोदा लल्ला लल्ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कंस के मायावी राक्षस उसे उठाकर तो नहीं ले गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहीं कहीं देखो होगा, डरी क्यों? किसी के पास नहीं है, स्वयं चलकर तो जा नहीं सकता ना वो, अवश्य उसे आप मेरे लल्ला को लेकर आइए, मुझे मेरे लल्ला चाहिए। शांत हो जाओ यशोदा, शांति से मुझे सोचने दो। सुमति देखो कहीं किसी गोपी के पास तो नहीं है हमारा लल्ला? हम में से किसी के पास लल्ला नहीं है नंदराज जी। तुम लोग यहाँ थे, लल्ला यहाँ था, ये कहीं गायब तो नहीं हो सकता? सुमति
बाहर का कोई व्यक्ति तो नहीं है अपना हमारे घर में? नहीं नंदराय जी, यहाँ कोई नहीं आया था। मेरे लल्ला को नहीं। नंदराय, नंदराय जी। याद आया, कम्मू आई थी। कम्मू? कम्मू? जी हाँ। किसी को पता नहीं चला कि तुम मेरे गोद में हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे लल्ला, केवल मेरे। अच्छा बताओ लल्ला, तुम मुझे क्या कहोगी लल्ला? माँ, माँ। मेरे पति और मेरी सासू माँ मुझसे बहुत नाराज हैं। मेरी सासू माँ तो कहती है कि अपने बेटे का ब्याह मेरे साथ करके उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया। इतने साल ब्याह कर भी मैं माँ नहीं बन सकी। वो तो अपने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहती है, लेकिन अब वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि अब मेरे पास तुम हो, जिसका नाम है कृष्णा। अब मुझे कोई नहीं कोसेगा और अब मेरे पति का दूसरा ब्याह भी नहीं होगा, है ना लल्ला? छोटे कैसे हो? बहुत लाड प्यार हो रहे हैं मेरे। मैं प्रसन्न हूँ भैया। अब मैं यही रहूँगा कम्मू माँ के पास। तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूँगा? भैया आपके मनोरंजन के लिए कंस मामा अतिथियों को भेजेंगे ना, उनका आतिथ्य करते रहिए। इसे लल्ला दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए ये रो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं जी? यही कि कम्मू कृष्ण को लेकर क्यों जाएगी? वो तो कम्मू के घर जाकर ही पता चलेगा। चलिए जी, वैसे भी लल्ला के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे रह रहकर यही लग रहा है कि लल्ला वहां रो रहा होगा। अरे लल्ला, मैं तेरे साथ खेल रही हूँ। ला हाथ दे अपना, चल तेरी सास को ढूंढते हैं। अठारे बटारे दही चटाकरे, लल्ला की सास घूम हो गई। किसी को पता है कौन है? तूने देखा उसे? नहीं। चल जा, तू घर जा, तुम्हारी माँ बुला रही है। चल इससे पूछते हैं, तूने देखा लल्ला की सास को? नहीं। चल हट। चल तू बता, तू तो मैदान में खड़ी थी, देखा तूने उस बुढ़िया को? अरे सासू माँ को बुढ़िया बुलाया तो नाराज हो गए? चल ठीक है, बुढ़िया नहीं जवान थी, वो भी नहीं व्याहिता। चल तू बताएगी
लल्ला की सास की निशानी क्या थी? हाँ बाबा, निशानी घास खाती थी, पानी पीती थी, हाथ में लोटा था और बगल में दोती थी और धीरे 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 चलती थी। ये रही लल्ला की सास, मिल गई। बच्चे हो ना, तुम मेरे बच्चे हो। कम्मो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए चाची जी। कम्मो, दरवाजा खोलिए। कम्मो, दरवाजा खोलिए चाची। नन बाबा, ढकेलिए दरवाजे को, अपने आप खुल जाएगा। कहाँ गई वो? निकल गए चोरों ने रास्ता रोक लिया, वो डर के मारे बिकल भाई। एक गोपी कृष्णा को लेकर गोकुल से बाहर निकल गई, चोरों ने रास्ता रोक लिया, वो डर के मारे बिकल भाई। ए, कौन हो तुम? मैं कम्मो। भाग क्यों रही हो? वो मेरे पति और मेरे सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब कहाँ जाओगी? मैं मेरे मायके जा रही हूँ। बच्चे को लेकर? बोलती क्यों नहीं? बच्चा तुम्हारा है ना? बोलती क्यों नहीं, ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। सामने से आ जाओ, मुझे जाने दो। नंद का घर कहाँ है पहले बता, फिर जाने देंगे। नंद का घर क्यों? हम उसके बच्चे कृष्ण को देखने आए। अरे अरे, कृष्ण तो यही है मेरा लल्ला। मुखिया, ये तो मुझे पागल लग रही है। एक और बोलती है कृष्ण है और दूसरी और बोलती है मेरा लल्ला है। हाँ, लगता है अपने लल्ला को ही कृष्ण समझ रही है। समा गई वो उछल उछल गिरने लागे, कुछ ऐसी हालत बना दई। एक किरण निकल कर उंगली से चोरों के तन में समा गई, वो उछल उछल गिरने लागे, कुछ ऐसी हालत बना दई। डर से वो भयभीत हो गए, डर से वो भयभीत हो गए। भागे कृष्णा छोड़, कृष्ण को लेने आए चोर, कृष्ण को लेने आए चोर। सिर पे रख के पैर वो भागे, सिर पे रख के पैर वो भागे। देख कृष्ण का जोर, कृष्ण को लेने आए चोर।
ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कृष्ण है, तुम्हारा कैसे हो गया? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा लल्ला, ये मेरा लल्ला, ये मेरा लल्ला। प्रभु सत्य में मुखिया कितना दुर्भाग्यशाली है जो कृष्ण को नहीं पहचान सका। पहचानेगा भी कैसे देवर्षि? कृष्ण को पहचानने के लिए भक्ति की आंखें चाहिए और कृष्ण को जानने के लिए मनुष्य का मन कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। मनुष्य के शरीर का कण कण कृष्ण का जाप करना चाहिए। कृष्ण मोक्ष दाता है, यह गुरुदेव गगाचार्य ने भी बताया है। पृथ्वी लोक के समस्त जीव भाग्यशाली हैं कि कृष्ण जैसा मोक्ष दाता उनके उद्धार के लिए उन्हीं के बीच में। तो क्या कृष्ण समस्त मानव जाति का उद्धार करेंगे प्रभु? देवर्षि, जिसके मन में कृष्ण को पाने की भक्ति चरम सीमा पार कर लेगी उसका उद्धार होगा। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।